हाँ सही सुना स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम, मीट मै सेल्फ फेयर अबलोशी। इस छोटी सी बोरियत को ख़त्म करने के लिए चलते हैं एक गांव की तरफ। हाँ सही सुना स्टोरी से बोरियत को ख़त्म करने के लिए तो चले ना यार। तो जर्नी स्टार्ट है भाई। सो फाइनली वी रीच इन एट विलेज या गांव। सो पहुंच गए हम कबीर वालों के पास वरास। चलो मिलते हैं कुछ ट्रेडिशनल तरीके से। फाइनली मैंने कहा था कि हम ट्रेडिशनल तरीके से मिलते हैं। तो आप सिंधी तरीके से माती गलो द्वारान चुशादान माती गलो द्वारान चुशादान नहीं लड़ो नहीं लड़ो लाड़ो लाड़ो नहीं लड़ो नहीं लड़ो लाड़ो लाड़ो। कैमरामैन ये हमारा कैमरामैन। गांव की खूबसूरती इन चीज़ों से जुड़ी और गांव की खूबसूरती गांव के बुजुर्ग शख्सियत के साथ। तो डड्डे वशे बराबर तबियत वशे बराबर बम्बाटे शुक्रमदला बम्बाटे यार। ये हमारे गांव के बुजुर्ग शख्सियत। सो फाइनली हम यहाँ पे तो अभी पहले हम गए थे घर की तरफ, फिर हमने सोचा कि यहाँ पे एडिटिंग हो रही है और यहाँ पे स्लोमो बना जा रहा है, वॉक की जा रही है। तो सोचा तो हम भी यहाँ पे आते हैं गांव के माहौल में यहाँ पे पिक्चर क्लिक करते हैं। और उसके साथ साथ एक मेहमान भी हमसे मिलने आया हुआ है। ये है मेहमान। यहाँ पे जो लड़के जो हैं वो काफ़ी हैं माशाल्लाह हमारे स्टाइलिश। यहाँ पे क्या कहते हैं टिकटॉकर हैं, आप इनको मुलाहिजा कीजिएगा साथ में। दंतची सवालियां ही आशिकों मवालियां की वाद दस्त हालियां तरंगे तवारियां अमा की दोस्त यारता दिलारी दर्द वारता इशारा सोते मंगुशा ते नामा जब जना सोते मंगुशा ते नामा इन्नी जना दस्ता मवती शहजादा इन्नी जना दस्ता मवती शहजादा जब जना सोते मंगुशा। सबसे पहले मैं ये बताना भूल गया, कल रात जब हम वहाँ से आए तो वापस शॉट नहीं की। और सबसे एक बात ये कि जब हम वहाँ पे गए हुए थे कल, फिर हुआ यूं कि मैं वहाँ से काम पड़ गया, मुझे झोल आना पड़ा उस गांव से। उस काम को निपटा के बार हम गाँव गए। गाँव क्यों गए? क्योंकि उन्होंने वाले खाने के इंतजाम किया हुआ था। हमने सोचा यूँ रिस्क उसी को टुकड़ा कर यूँ सही नहीं है। लेकिन वहाँ गांव में जब पहुंचे तो वहाँ पर बुजुर्ग शख्सियत जो मैं मिले थे तो उन्होंने मैं एक किस्सा बताया इस खाने के अबाउट। तो आप ये भी मुलाहिज़ा करो। वजीर भी ना, वजीर बचके भी। एक बादशाह था और एक वजीर। बादशाह ने वजीर के बेटे को मरवाने के लिए एक साजिश रची। बादशाह ने अपनी फौज को ये हिदायत दी कि कब्रिस्तान जो पहले आए आप उसे मार दें। तो बादशाह ने वजीर के बेटे को किसी बहाने से कब्रिस्तान की जानिब भेजा। तो उसे रास्ते में एक झोंपड़ी मिली, वहाँ पे खाने का टाइम हो चुका था। तो उन झोंपड़ी वालों ने वज़ीर के बेटे को बिठा के खाना खिला दिया। तो बादशाह ने अपने बेटे को कब्रिस्तान की जानिब भेजा और कहा कि फ़ौज को बुला लाओ। तो जैसे बादशाह का बेटा कब्रिस्तान पहुँचा तो उसकी फ़ौज ने उसे मार दिया, क्योंकि बादशाह ने यह हिदायत की थी कि जो पहले आए आप उसे मार दें। तो वो वज़ीर का बेटा खाने के सदके बच गया। तो आप कम कहें या ज़्यादा कहें लेकिन खा कर ज़रूर जाएँ। तो फौज ने समझा कि वजीर का बेटा आया हुआ है, तो गलती से फौज ने उस वजीर के बादशाह के बेटे को वजीर का बेटा समझ के मार दिया। तो ये होती है खाने की फजीलत।